हेलो एंड वेलकम टू डी वो आर हेयर फॉर डिलीवरी न्यू लीगल लेक्चर। आज का जो हमारा लीगल टॉपिक है वो है प्रोसीजर ऑफ द तलाक बाय हस्बैंड रिजिडिंग एब्रॉड, यानी वो हस्बैंड जो बाहर रहता है, जो आउट ऑफ पाकिस्तान रहता है, उसका तलाक का क्या तरीकेकार है, क्या प्रोसीजर है उस हस्बैंड का जो पाकिस्तान में नहीं रहता, आउट ऑफ पाकिस्तान रहता है, वो अपनी बीवी को तलाक देना चाहता है। जब खावंद पाकिस्तानी नेशनल नहीं है या बीवी पाकिस्तानी नहीं है तो उस सूरत में देखें उनकी शादियाँ पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हुई हैं तो खावंद तलाक कर सकता है। मुस्लिम फैमिली लॉ के मुताबिक देखें उसमें से एक पार्टी भी अगर वो पाकिस्तानी है तो मुस्लिम फैमिली लॉ देखें वो लागू होता है पाकिस्तानी ऊपर, चाहे वो पाकिस्तानी दुनिया के किसी कोने में भी रहते हैं, उसमें हस्बैंड पाकिस्तानी है या वाइफ पाकिस्तानी, अगर दोनों में से कोई पाकिस्तानी है तो पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक और उसकी शादी पाकिस्तान में रजिस्टर हुई है फैमिली लॉ के मुताबिक तो वो उसके मुताबिक पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक वो डिवोर्स जो है वो कर सकता है। प्रोसीजर ये होगा कि वो डिवोर्स शीट बनेगा, उस पर वो साइन करेगा, सिग्नेचर करेगा, पावर ऑफ अटॉर्नी एक वकील को एंगेज करेगा, किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी देगा और पावर ऑफ अटॉर्नी पाकिस्तान एम्बेसी से अटेस्ट होगी, वो वापस आएगी तो वो वाइफ को भेजा जाएगा, उसको नोटिस जाएगा, वाइफ को भेजा जाएगा और उसके अलावा फिर यूनियन काउंसिल कन्फर्मेशन सर्टिफिकेट होगी अगर, और इसके अलावा वो जो डिवोर्स हो गए पाकिस्तान एम्बेसी से, अगर आउट ऑफ पाकिस्तान है बाहर रहता है तो पाकिस्तान एम्बेसी से उस डिवोर्स को अटेस्ट कराएगा, नोटराइज भी करा सकता है अपने सिग्नेचर, उसके बाद उसने वकील एंगेज किया, उसको अथॉरिटी दी हुई है, बाकी काम जो वो स्टैंप ड्यूटी पे करनी है, नोटिस सर्व करना है, यूनियन काउंसिल को नोटिस देना है, तो ये सारी कार्रवाई जो उसने अब वकील को एंगेज किया है तो वकील उसका सारा प्रोसीजर वो करेगा और कानून के मुताबिक जो उसका तरीक़ेकार है, वाइफ को डिवोर्स उसकी भेजेगा, स्टैम्प ड्यूटी है तो वो पे करेगा और उसके बाद फिर यूनियन काउंसिल नोटिस देगा, वहाँ रिकन्सिलेशन प्रोसीडिंग होती है तो वो हस्बैंड की जगह पे रिकन्सिलेशन प्रोसीडिंग में पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू अपेयर होगा और जो उसमें 3 महीने 4 महीने जो भी टाइम लगेगा, कम से कम 90 दिन उसमें लगते हैं उसको कंफर्म होने में डिवोर्स को, और डिवोर्स की प्रोसीडिंग जो भी चलेगी यूनियन काउंसिल में वो उसका जो अटॉर्नी है, जो उसे पावर अटॉर्नी दिए हैं वो उसका वकील है, वो उसकी जगह अपेयर होगा और वो प्रोसीडिंग में हिस्सा लेगा और सालसी काउंसिल जो है फिर उसके बाद नादरा के थ्रू उसको डिवोर्स को कन्फर्म कर देगी, कन्फर्मेशन कर देगी अगर रिकन्सिलेशन नहीं होती, लेकिन रिकन्सिलेशन फेल हो जाती है तो, और उसके बाद ये जब सर्टिफिकेट मिल जाएगा डिवोर्स रजिस्ट्री DRC DRC जब उसको मिल जाएगा तो वो डिवोर्स कंप्लीट हो जाएगी और इसके साथ पूरा डिवोर्स का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा और यही सबूत है डिवोर्स का कि वो सर्टिफिकेट उसको जब नादरा के थ्रू यूनियन काउंसिल से मिल जाती है तो डिवोर्स कंफर्म हो जाएगी और ये एक प्रूफ होगा। उसके लिए रूलिंग हम आपको दे रहे हैं 2020 की PLD पेज 679 लाहौर, उसमें भी यही क्या, जब कंफर्मेशन आपको मिल जाती है यही एक आपके पास प्रूफ है कि डिवोर्स हो गई है। ये तो आज का टॉपिक, इसके साथ इजाजत, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।